हाल बताया, अस्पताल का हाल क्या है अजमेर में, आपके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन जयपुर परकोटे का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जरा बताएं परकोटे में क्या स्थिति है, क्या यहां पर प्रशासन पूरी तरह से तैनात है? मेघा, यहाँ पे जो परकोटे में जो रामगंज इलाका है, वहाँ कल हमने देखा कि 24 घंटे में जो है 10 मरीज पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 8 एक ही परिवार के हैं। तो यहाँ पर जब पहला केस आया था, उसके बाद ही सरकार ने एहतियात बरतते हुए 27 मार्च से यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ परकोटे सहित 7 इलाकों में कर्फ्यू है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। हम यहाँ पर बड़ी चौपड़ पर हवामहल बाजार पर खड़े हैं। आप कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको कि किस तरह से लोग जो है इस कर्फ्यू के दौरान भी घरों से निकल रहे हैं और पुलिस वाले उनको रोक के उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं। कई लोग जो है जब जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे, कारण नहीं बता पा रहे, तो वो वापस लौट भी रहे हैं और इवन यहां पर उनके साथ सख्ती भी बरती जा रही है कि कई वाहनों के जो टायर हैं उनको पंचर किया जा रहा है ताकि ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके। यहाँ पर लोग कोई बता रहा है कि हम दवाई लेने आए हैं, कोई अपना पास दिखा रहा है और इस तरह से जो है लोगों का आना जाना अनवरत रूप से जारी है। हमारे साथ जो इस इलाके के SHO हैं जितेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। जितेंद्र सिंह जी, आप जिस तरह से पूरे शहर में लॉकडाउन है और यहाँ पे खासकर कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू के दौरान भी लोगों का आना जाना जारी है? नहीं, जो कर्फ्यू के अंदर जो जा रहे हैं वो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं। अभी आप देख सकते हैं, आपके कैमरे को घुमा के देख लिए, मेडिकल सप्लाई से संबंधित जो मेडिकल हॉस्पिटल में है, दवाइयों की दुकान है, सिर्फ उन्हीं को अलाउड किया जा रहा है। अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कर्फ्यू की बिल्कुल सख्ती से पालना करवाई जा रही है। डीमोबिलिटी हमारा सबसे मेन उद्देश्य है, डीमोबाइल कर रहे हैं लोगों को। जिस तरीके से होगा उसी तरीके से डीमोबाइल करेंगे। जो कर्फ्यू तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। लेकिन आपको लगता है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये इतना सेंसिटिव इलाका हो चुका है, इसके बाद भी कई लोग बेवजह आ रहे हैं और जिनको आप वापस भेज रहे हैं? उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं ऑफ द कैमरा, आपको पता है कि जो कार्रवाई पुलिस कर रही है वो बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई कर रही है। मेगा, बिल्कुल जो है यहाँ पे जिस तरह से लोगों का आना जाना हो रहा है उसको देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरती है और जिनके पास कोई जायज कारण है, पास है, उन्हीं को जो है यहाँ से ले जाए जो है जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो पूरी बड़ी चौपड़ कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जो बड़ी चौपड़ है जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पूरी तरह से सुनसान है, पूरी तरह से जो है इलाका खाली है। केवल जो जरूरी वाहन है वही चल रहे हैं और जो मेडिकल टीम है जो कि रामगंज बाजार में गई है उनके व्हीकल भी बाहर ही खड़े हुए। तो ये पूरा इलाका जो कि जयपुर की शान कही जाती है बड़ी चौपड़, वो इस समय बिल्कुल सुनसान है। और ये हवा महल आप देख रहे हैं कि जो हमेशा पर्यटकों से भरा रहता था वो किस तरह से सुनसान है। केवल यहां पुलिस वाले खड़े हैं और जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो यहां पर क्यों आ रहे हैं। यहां पर लोग जो कई तरह के बहाने ही बना रहे हैं, कोई कह रहा है मैं दवाई लेने जा रहा हूं, कोई कह रहा है कि मुझे सामान खरीदना है। तो ऐसे लोगों को जो कि संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे उनको लौटाया भी जा रहा है और उनके साथ सख्ती बरती जा रही है। लेकिन जिनके पास पास है और जो मेडिकल सर्विसेज से या अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। बेगम,